छोटे राजाओं के काम चलते ऐसे, पर सैकड़ों राजा थे, लड़ते थे, फिरते थे। अंग्रेज जिस वक्त हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने धीरे धीरे 100 साल में काफी बड़े हिस्से पर कब्जा लिया। फिर उनका रकम जो थी, पहले तो वो लड़कर से कब्जे करते थे, फिर जब उनका थोड़ा मान लीजिए भाई आपके 10-15 छोटे छोटे थे ये अपना राज चलाते रहे लेकिन हमारे शहर में, तब उनकी पॉलिसी बदल गई और फिर ब्यासपुर में रेजिडेंट कमिश्नर बनाने शुरू हो गए। वो थोड़ा अंग्रेजों के एजेंट ही होते थे, एक प्रकार से ध्यान रखते थे। जम्मू कश्मीर ब्यास में अंग्रेजों ने खुद जम्मू कश्मीर ब्यास बनाई और कब बनी, जब महाराजा रणजीत पेशावर और सिंध और पंजाब हरियाणा हिमाचल ये सारा जो भी है इसको आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, हरियाणा है, हिमाचल है, जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है, गिलगित है, बाल्टिस्तान है, ये सब कोई संस्कृत के पंडित है। संस्कृत वाले लोगों ने इसको सात कहते थे, सात नदियां थी तो सब कहते थे, ये क्या कहना शुरू कर दिया। अदरवाइज ये सारा क्षेत्र सात सिंधु के नाम से, ये सात सिंधु क्षेत्र पर महाराणा रणजीत सिंह ने सात सिंधु क्षेत्र को अंग्रेजों ने बाकी सब जगह कब्जा कर लिया, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होगी तो फिर हल्ला लगाएंगे। तो जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हुई तो फिर अंग्रेजों ने उस हमले के बाद उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह तो निकल दिए थे, उनकी उत्तराधिकारी का जो इलाका था जम्मू था और उसके आसपास के कुछ क्षेत्र के तौर पर थे, लेकिन अब अंग्रेजों ने कहा महाराजा रणजीत सिंह तो गए और हमने वैसे भी पंजाब पर कब्जे का तो जम्मू लद्दाख गिलगित और बाल्टिस्तान। अंग्रेजों ने उसने कहा कि भाई इसको तो ब्रिटिश इंडिया ले रखा जाए, तो कुछ ने कहा ब्रिटिश इंडिया में रखने का यहाँ से मिलेगा इसको महाराज इसको लाभ सिंह को दे दिया जाए, लेकिन कुछ ने कहा भाई फ्री फंड में कैसे दे दिया जाए, तो यदि उसको देना है तो पैसे दिए जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक और बड़ी खूबी थी, वो जब कहीं लड़ते थे अपनी ही जैसे चलती है कैश बुक और सारी किताबें के पास क्या था, उन्होंने कहा आपको बड़े आराम से दे सकते। गुलाब सिंह को सलाह कि यदि तुम दे सकते हो, उसने कहा भाई साहब 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, मैं 75 लाख रुपए इकट्ठे कर सकता, उनका 75 लाख दीजिए तो अदरवाइज 1 करोड़ दोगे तो हम आप कश्मीर भी कुल्लू और जीत दे देंगे, यदि 75 लाख दोगे तो ये कुल्लू और लाहौल स्पीति दोनों ही मिलेगा, ये तो ब्रिटिश इंडिया में आ जाएगा और आपको कश्मीर का भी दे देंगे। तो गुलाब सिंह ने 75 लाख इकट्ठे किए तो जम्मू लद्दाख गिलगित बाल्टिस्तान के तो पहले राजा बना दिए थे 75 लाख अंग्रेजों ने, अंग्रेजों से पहले बनी हुई थी, एक बात ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद भाई जम्मू ये मैटर ऑफ चांस था कि जम्मू कश्मीर में जनसंख्या ज्यादा मुसलमानों की थी, मुसलमानों की ज्यादा, एक बार और ध्यान में रखने जा रहा है, मुसलमान कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आधे या तो वो थे, वो क्यों थे जो वक्त बेवक्त अपना रास्ता छोड़कर उस रास्ते पर चल पड़े थे, तो वो प्रैक्टिकली इंडियन ही थे या कश्मीरी थे, वो कहीं परिस्थितियों में कन्वर्ट हो गए थे, उनकी संख्या ज्यादा थी और जो नहीं कन्वर्ट हुई संख्या कम थी।